तो आपने जब सुबह से इरादा किया वो सब आपके आवाम को नोट कर लिया उन्होंने, और ये खाना खिला रहे हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम मचाया है, ये हलचल मची हुई है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, महफिल में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो तो मगरब और असर के दरमियान में आपके आवाम लेके चले गए, उसी हाल में दूसरी जमात उतर के आई, और वो सुबह 7 तक रहेगी। वो सुबह 7 का हम नहीं समझेंगे, और इतना तो समझे कि जब हम नमाज फजर पढ़ते हैं ना तो इधर से फजर तुलू होती है रोशनी, परगाल तक तो ये फरिश्ते रहेंगे, तो दिन वाले वापस आ जाते हैं। बाल गया खुदा मंदी में ये घूमते 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 आवाज सुनी किरत की, सब बिल्ला मैंने शैतान अजीब सुनी है, तो इस तरह एक दूसरे से बातें की, या का आवाज आ रही है बिल्ला बिस्मिल्ला कुरान शरीफ की आयत के महफिल शरीफ चलो रुख करते हैं, उनको मालूम होता है रुख करते ओ आए तुम्हारे गांव, और ये सोचो बोला कि हमारा गांव फरिश्तों के आने के लायक है पहले, आपसे पूछता हूँ कैसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते हर मोमन मुसलमान के साथ होता है, हिफाजत का अलग होता है, यही लिखने वाले जो है लिखने वाले दो का दो भलाई बुराई सब वो भी तो है, बेशक वो अपनी जगह पर है, वो तो कायमी कायमी लूटने वाला है, उसका अपने कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मसला बयान नहीं करना है, वो तो हक है। लेकिन यहाँ और जमात जो फरिश्तों की आधे कट जो आए उसकी बात है, आए सुभान अल्लाह से उलमा माशाल्लाह सब कोई देखा, देख करके जहाँ जिक्र हो रहा है बीचो बीच बैठ गए, जिस हैसियत से उनको बैठना था बैठ गए, सुन रहे हैं नाशी सुन रहे हैं, आपकी सुभान अल्लाह सुन रहे हैं, आपकी माशाल्लाह सुन रहे हैं, आपके नारे सुन रहे हैं, आपकी नेकी की कारकर्दगी सुन रहे हैं, उलमा के बयान सुन रहे हैं, कुरान हदीस सुन रहे हैं, माशाल्लाह सब सुन रहे हैं, सब वो सब सुन रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह। अगले गए अल्लाह की बारगाह में, मौला फरमा कर क्या देखा भाई, तो दिल वालों का मौला हो तो इतनी चाल पर तेरे महबूब की जिक्र के लिए कर रहे थे सुभान अल्लाह, बड़े शौक मोहब्बत कहाँ पे खारड़ा में, कहाँ पे खारड़ा, अल्लाह के दरबार में तुम्हारा नाम खारड़ा के लिया जाए तो ये किस नसीबदार की बात है, है कि नहीं, ये नसीबदारों की बात है, नसीब को अपने नसीब को इधर उधर मत करो, मेहरबानी कर दे, नाजायज कामों से नेकी पे करने से, नमाज न पढ़ने से, रोजा न रखने से, ब्याजखोरी से, कई बातें हैं, तो इससे नसीब को इधर उधर नहीं करना चाहिए, फिर तो अल्लाह ताला जल्ले शानो की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह। अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ अल्लाह के फजल से, बंद हो जाए तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, खत्म। अल्लाह के फजल से हुजूर की रहमत की बरकत से तौबा का दरवाजा खुला है, अरे एक बंदा मोमिन अगर थोड़ा सा आंसू न बहाए, आंसू बहाने जैसी हालत अपने चेहरे की कर दे, रोने जैसी,